हाय फ्रेंड्स, मैं रितेश सर बोल रहा हूँ और आज जो हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं वह मैथमेटिक्स में न्यू चैप्टर, इसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं और आज का क्लास में आप लोग हम क्या देने वाले हैं, इस चैप्टर का थ्योरी देने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा क्या नाम बोले चैप्टर का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हिंदी क्या होता है इसका, निर्देशांक ज्यामिति। ये चैप्टर है और ये टेंथ क्लास का चैप्टर है मैथमेटिक्स का, और ये चैप्टर जो है क्या कहते हैं सेवंथ चैप्टर है आपका एनसीईआरटी का। तो इसमें आज जो हम लोग जानेंगे कि इस चैप्टर का पहला थ्योरी जो है वो उसका नाम है डिस्टेंस फॉर्मूला निकालने के लिए जानेंगे। तो थ्योरी दे रहे हैं उसके बाद क्या बोलेंगे सवाल आप लोग को हम बताएंगे। तो पहला फॉर्मूला जो सीखना है इसमें क्या सीखना है, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला इसका हिंदी हो गया आपको जाके क्या बोलते हैं उसको, दूरी सूत्र। क्या निकालना है, दूरी सूत्र हमको फाइंड करना है। तो फाइंड तो इसका फॉर्मूला तो याद करा देंगे, उससे पहले इस फॉर्मूला को हम क्या करते हैं प्रूव कर दिखाते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है स्टेट एंड प्रूव द फॉर्मूला ऑफ, क्या कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला प्रूव करना है, स्टेट एंड प्रूव डिस्टेंस फॉर्मूला। तो आपको उसके लिए क्या करना होगा, फॉर्मूला कैसे हुआ उसको आप फिगर के साथ हम समझा रहे हैं, आप लोग देखिएगा ध्यान से। ये लाइन को बोलते हैं y एक्सिस और ये लाइन को बोलते हैं x एक्सिस। तो यहाँ पर ओरिजिन होता है तो वो 0 0 होता है, ये आपका x हो गया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे जी, x डैश बोलेंगे। अगर इसको y बोलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, y डैश बोलेंगे। ठीक, तो अब यहाँ देखिए आप लोग डिस्टेंस फॉर्मूला, तो इस तरह से निकाल रहे हैं इस कोऑर्डिनेट और इस पॉइंट, इसको हम लोग a बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे बी बोलेंगे। ठीक, सबसे पहले इन दो चीज आप लोग को हम सिखा रहे हैं तो स्टार्ट कर ही रहे हैं। देखिएगा बोर्ड पे क्या है कि एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट को निर्देशांक ज्यामिति में क्या करते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये जानिए, देखिए हम आप लोग को जो पढ़ा रहे थे आप लोग को हम क्या कहते हैं इंग्लिश मीडियम प्लस हिंदी मीडियम दोनों को समझ में आएगा। जैसे एक्स कोऑर्डिनेट उसके बाद क्या होता है वाई कोऑर्डिनेट। अब देखिए x कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, x निर्देशांक, क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेट का क्या होता है निर्देशांक। तो y कोऑर्डिनेट को क्या बोलेंगे, y निर्देशांक हो गया। अब देखिए आप लोगों को क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में कि x कोऑर्डिनेट को क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग एब्सिसा बोलते हैं, क्या बोलते हैं एब्सिसा। वाई कोऑर्डिनेट को क्या कहते हैं हम लोग, ऑर्डिनेट कहते हैं, क्या कहते हैं ऑर्डिनेट कहते हैं। और इससे देखिए एक क्वेश्चन और सॉल्व हो रहा है कि एमसीक्यू आता है और 1 मार्क्स में सीबीएसई में जो क्वेश्चन पूछता है उसमें आप ये लिख सकते हैं। तो एब्सिसा को हम लोग बोलते हैं भुज हिंदी में और ऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं कोटि। इस तरह से बिहार बोर्ड के बच्चे के लिए कैसा क्वेश्चन रहेगा कि एक्स निर्देशांक को क्या कहा जाता है, तो भुज कहा जाता है। वाई निर्देशांक क्या कहा जाता है, कोटि कहा जाता है। वही सीबीएसई वाला के लिए एक्स कोऑर्डिनेट को क्या बोलेंगे, एब्सिसा बोलेंगे, और वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलेंगे ऑर्डिनेट बोलेंगे। तो ये आपका 1 मार्क्स का हम सॉल्व किए। चलिए अब देखिए क्या होता है, कोऑर्डिनेट समझ गए। जैसे यहाँ ए और बी है, इसको पॉइंट भी बोल सकते हैं या ए बी का कोऑर्डिनेट निकालना है, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। तो आप लोग इसको देखें, चलिए इसको मिटा देते हैं, इसको समझाने के लिए इसको आप लोग लिख लीजिएगा एक जगह थ्योरी कॉपी में। लेकिन मेरा तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या था कि डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना, डिस्टेंस फॉर्मूला। देखिए ए बी इसको तो कुछ कुछ मानते हैं, इसको लिखते हैं एक्स वन वाई वन, ये कोमा है, क्या है एक्स वन कोमा वाई वन। अब बी का कोऑर्डिनेट क्या मान लेते हैं, एक्स टू कोमा वाई टू। देखिए ध्यान से, अब देखिए आगे इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रूव करना है ना डिस्टेंस फॉर्मूला। इसको डॉटेड लाइन से दिखाइए या इसे दिखाइए, चलिए अब देखिए ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल लग रहा है, लग रहा है ना जी, 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। इसको समकोण त्रिभुज बोलते हैं, ए बी इसको मान लिए सी, इसको मान लिए डी, इसको मान लिए ई, समझ में आ गया। अब यहां देखिए इतना दूर को क्या बोलेंगे एक्स वन, क्योंकि एक्स एक्सिस है तो एक्स वन वाई वन, एक्स वन एक्स टू होगा, ऊपर जाएंगे तो वाई वन वाई टू होगा, क्योंकि ऊपर वाई तो ऊपर होता है। तो इतना दूर क्या होगा, देखिए क्या लिखे हैं एक्स वन, देखिएगा ध्यान, बहुत शॉर्टकट में प्रूव कर रहे हैं।
और यहां से लेके यहां तक क्या होगा, क्या है x लाइन में क्या होगा, x2 होगा, तो यही तक होगा, ये तक नहीं होगा, x2 होगा। कोई डाउट हुआ, समझ में आ गया? और आप लोगों को पता है DE इक्वल टू क्या होगा, AC होगा। देखिए समझा रहे हैं, DE बराबर AC हो सकता है क्योंकि दोनों इक्वल होगा, क्योंकि ACED आपको क्या लग रहा है, कैसा है, रेक्टेंगल है, मतलब आयत है, ये हो गया। तो अब हम यहाँ पे क्या निकालना है, डायरेक्ट क्या निकालना है, DE निकालना है। देखिए DE कैसे निकालेंगे, यहां से हम आपको प्रूव कर रहे हैं, DE कैसे निकालेंगे, सिर्फ इतना निकालना है, तो इतना में इतना घटाएंगे ना जी, ये पूरा में इसको घटाइए, पूरा आपका क्या है x2 minus x1 घटा दिए तो क्या निकल गया, डी। डी कैसे निकालेंगे, इतना दूर निकालना है, ठीक है, डी निकालने के लिए क्या करना है, यहां से यहां तक में इतना में अगर हम इतना घटा देते हैं तो डी निकल जाएगा ना, इतना क्या है x2, उसमें क्या घटा देंगे, डी निकालने के लिए इतना दूर घटा देंगे, और डी घटा देंगे, तो x2 में x1 घटा देंगे, डायरेक्ट लिखे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब ये हो गया, अब देखिए डी ई की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, डी इक्वल टू क्या, ए सी, तो डी की जगह पे ए सी, ए सी बराबर क्या लिख सकते हैं, एक्स टू माइनस एक्स वन लिख सकते हैं ना, क्यों लिख सकते हैं, ये और ये भुजा बराबर है, साइड क्या इक्वल होता है। अब चलिए आगे देखते हैं, यहां से यहां तक क्या है, अब ऊपर लाइन जाएंगे, इतना दूर आपका वाई वन है, ऊपर जाएंगे तो वाई वन वाई टू में बात करेंगे हम लोग, तो इतना दूर क्या हो गया आपका वाई वन हो गया। अब देखिए यहां से यहां तक क्या हो गया आपका वाई टू, ये पूरा हो गया वाई टू, आगे समझ में। तो हमको अब यहाँ पे सिर्फ बी सी निकालना है, क्योंकि हम जब भी त्रिभुज का बात करना है ए सी बी बी में, तब ना हमको एच वाला फॉर्मूला निकल जाएगा हाइपोटेनस वाला पे, तो हमको क्या निकालना है, बी सी निकालना है। चलिए बोर्ड पे देखिए बी सी कैसे निकालते हैं, बी सी कैसे निकालेंगे जी, ये पूरा भी इतना में इतना घटा देंगे तो बी सी आएगा, तो ये पूरा आपका कितना है वाई टू में वाई वन घटा देते हैं तो बी सी निकल जाएगा, तो वाई टू माइनस वाई वन। चलिए इतना दूर देख लीजिए, अब क्या करना है, इन ट्रायंगल ए सी बी किसमें लेंगे, इन ट्रायंगल ए सी बी में लिए, या इसको हिंदी में कैसे लिख देंगे, त्रिभुज ए बी सी में, क्या लिख देंगे, त्रिभुज ए बी सी में, आ गया समझ में। अब क्या करना है, आप लोग पढ़े थे एच स्क्वायर बराबर क्या होता है जी, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे एच स्क्वायर ये क्यों लगा, ये फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग क्यों लगाए, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी, क्योंकि ये कौन त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, समकोण त्रिभुज है, इसीलिए यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है, समकोण त्रिभुज बराबर ये होता है। अब देखिए एच के जगह क्या है, इसमें इन ट्रायंगल ए बी सी में एच क्या होता है, हाइपोटेनस इसको बोलते हैं ना, उसको क्या लिखेंगे हम लोग, ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर। अब देखिए ये ऐसी लंबा है, तो ये मेरा क्या हो गया, क्या है पी स्क्वायर, पी मेरा क्या हो गया यहाँ पे ए सी स्क्वायर, क्या हो गया ए सी स्क्वायर प्लस बी, बी मेरा आधार ये है, आधार क्या है बी सी स्क्वायर, बी स्क्वायर देख लीजिए इतना दूर। आप चलिए आप इधर देखिए, ध्यान कंसंट्रेट कीजिए और देखिए यहाँ क्या है ए बी स्क्वायर। अब ए सी की जगह क्या लिखिएगा, देखिए ए सी स्क्वायर, ए सी बराबर क्या है यहाँ पे एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर कर दिए। अब बी सी, बी सी की जगह क्या लिखिएगा, वाई टू माइनस, वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर कर दिए। अब यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है ए बी, ए बी बराबर एक्स टू माइनस एक्स वन का क्या है होल स्क्वायर प्लस क्या है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर ए बी पे स्क्वायर हटेगा तो सामने वाला पे रूट चढ़ता है, ये चीज आप लोग पढ़ चुके हैं पहले। तो ए बी का फॉर्मूला क्या निकल गया, डिस्टेंस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपको एक याद करना है, इस पे अगर निकल गया सवाल जो है बनेगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला किसका निकालना था, इसमें हमको ए बी का, ए बी ही ना बोलते हैं, इसका फॉर्मूला याद कीजिएगा। फॉर्मूला क्या हो गया, ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दीजिए डिस्टेंस फॉर्मूला या दूरी सूत्र ए बी, दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर पूरे पे क्या है रूट है। तो ये आपको सिर्फ याद ये करना है, इस पे सवाल बनेगा, ये हम आपको समझाए, समझे तो ठीक है, नहीं तो इसे फॉर्मूला लिख लीजिए तो क्या होगा आपका सवाल इस पे क्या होने लगेगा, बनने लगेगा। तो आप लोग ये डाउट पूरा क्लियर हो गया, इसे भी हम बहुत अच्छा से इसको समझाए हैं, फिर से वीडियो क्या करते हैं पीछे करके देखिए, रिकैप करके आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए इतना दूर बता दिए, अब इससे हम आगे बढ़ते, इसको आप लोग लिखिए, अब जो हम क्या बताते हैं बुक स्टार्ट करेंगे आप लोग का, ठीक उतारिए इसको।
चलिए लिख लिए, इसको मिटाते हैं। क्या ऑब्जेक्टिव बताया, दो ऑब्जेक्टिव है इसमें भी तो पढ़ाना है। एक्स कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, एफ सी सा। वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, एक्स को बोलते हैं क्या, कोटी, और वाई को भुज बोलते हैं, बस याद रखिएगा। देखिए ये बुक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 7 चैप्टर है, इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं 7.1। एक दो सवाल बताते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर अगला चीज बताएंगे हम। चलिए 7.1 है एक्सरसाइज 7.1। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट। हमको क्या निकालना हो कि निम्न का दूरी निकालें, समझ में आ गए। आप लोग बुक आगे रखिए क्योंकि सेम चीज है हिंदी और इंग्लिश। तो पहला क्वेश्चन में क्या करना है, दूरी फाइंड करना है, मतलब डिस्टेंस फाइंड करना है। तो वन का वन नंबर क्वेश्चन बताते हैं, 2, 3, 4, 1 ये है, इसका हमको डिस्टेंस निकालना है। देखिए ध्यान से, इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए, देख रहे हैं, इसको अपने मन से पॉइंट मान लेते हैं ए और बी। मान लिए इसको इतना दूर ए है, इतना दूर बी है, यहाँ पे क्या लिखे थे, यहाँ लिख देंगे 2, 3, ए का पॉइंट, बी का पॉइंट कितना हो गया 4.1 हो गया। अब चलिए बना रहे हैं एक्स वन, आप लोग पढ़े थे यहाँ पे, वहां भी तुरंत हम प्रूव किए ए बी, यहाँ क्या लिखे थे x1, y1, यहाँ लिखे थे आप लोग x2, y2। इसको देख गौर से देखिए, देख रहे हैं, तो x1 के जगह पे क्या है जी 2, x1 = 2, y1 के जगह पे क्या है 3, समझ में आ गया। अब फिर चलिए x2 के जगह पे क्या है, देखिए x2 के जगह पे 4 है, 4 लिखेंगे, y2 के जगह पे क्या है 1 है, तो 1 लिखेंगे, समझ में आ गया। x1, y1, x2, y2 लिखने के लिए अब इसका डिस्टेंस फार्मूला निकालना, ए बी का डिस्टेंस क्या भी निकालने सिखाएं आप लोग को, हम रूट के अंदर क्या करना है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अरे ये फार्मूला तो याद करना है, अब कैसे प्रूव किए वो भी बता दिए। x2 के जगह क्या देंगे, x2 का मान 4 है माइनस x1 का मान क्या है 2 है, यहाँ ये दे दिए, डाउट क्लियर हो गया। प्लस y2 की जगह पे क्या है 1 माइनस y1 का मान क्या है 3 है, चलिए ये भी हो गया। 4 में 2 गया 2 का स्क्वायर, 3 में 1 गया -2 होता है, तो -2 का स्क्वायर, अब यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर 2, 4, 2 का भी स्क्वायर क्या हो गया 4। अब यहाँ देखिए इसको मिटा देते हैं, चैप्टर स्टार्ट किया है आज, ठीक। तो आप लोग ध्यान से देखिए और समझिए, मिस नहीं होना चाहिए, 7 और 8 मार्क्स ये चैप्टर से एग्जाम में आता है, बोर्ड एग्जाम में, इसलिए इसको ध्यान से देखना है। स्टार्ट किए हैं, एक दो बार देखिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में अगला क्वेश्चन बताएंगे, छूटना नहीं चाहिए, बहुत अच्छा समझ में, जिस तरह से क्लास में पढ़ाते थे आप लोग उस तरह से हम बता रहे हैं, एक एक पॉइंट को तोड़ के बता रहे हैं, समझ में सबको आएगा। चलिए इसको जोड़िए, 4, 4, 8 हो गया, आंसर ये भी हो गया, लेकिन इसका आंसर बुक के अनुसार 8 का एलसीएम लेंगे, क्या लिखेंगे 2 × 2 × 2 लघुत्तम लेंगे ना जी, 2 × 4 × 8 हो गया। चलिए इसका जोड़ा मिल गया तो बाहर हो गया, अंदर क्या बचा 2, इतना यूनिट आंसर, यूनिट का मतलब हिंदी बच्चे वाले लिखिएगा मात्रक, अंतिम में मात्रक कुछ नहीं दिया होगा, वहां हम लोग क्या लगाते हैं यूनिट लगाते हैं, या हिंदी में मात्रक लगाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका बन गया, अगला क्वेश्चन देखिए। अब इसका 1 का 2 नंबर देखिए, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ माइनस प्लस को ध्यान में रखिएगा, सवाल बन जाएगा। 1 का 3 नंबर में आप लोग फंस सकते हैं, तो उसको हम बता रहे हैं। 1 का 3 नंबर क्या है, ए बी माइनस ए कोमा माइनस बी। अब यहां देखिए, यहां डिस्टेंस को भी मान लेते हैं, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, पी क्यू सी आर डी सी कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन 2 पॉइंट मानना है सर। ए की जगह पे ए को मान बी हो गया, बी के जगह पे माइनस ए को माइनस बी हो गया। तो आप बताइए एक्स वन क्या लिखेंगे, एक्स वन के आगे ए, वाई वन क्या है बी, अभी जस्ट समझाने से पहले वाला सवाल में,
अब एक्स टू क्या हो गया आपका माइनस ए, वाई टू क्या हो गया माइनस बी। चलिए अब ए बी का फॉर्मूला लिखिए, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। एक्स टू की जगह क्या दीजिएगा, एक्स टू जगह पे माइनस ए है तो माइनस ए दे दी, फिर माइनस एक्स वन, एक्स वन की जगह क्या है ए, ये पूरे का स्क्वायर कर देना है, प्लस वाई टू, वाई टू की जगह पे माइनस बी, फिर माइनस बी का स्क्वायर। देख रहे हैं, अब यहां देखिए माइनस ए माइनस ए माइनस टू ए, माइनस वन तो होगा, वन वन तो छिपा हुआ है दोनों का आगे, ए क्या होगा टू ए, तीन माइनस का ही होता है, प्लस बी बी माइनस टू बी का होल स्क्वायर। अब यहां देखिए दो का स्क्वायर दो दूना चार ए स्क्वायर, आप लोग एक चीज पता होगा माइनस में स्क्वायर करते हैं तो प्लस में होता है, तो यहां भी टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा फोर बी स्क्वायर हो गया। अब यहां देखिए चार इसमें भी है चार इसमें भी है, चार को क्या कर लेंगे हम लोग कॉमन ले लेंगे रूट में ही, और कॉमन ले लिया अंदर क्या बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए फिर से फोर इसमें भी दोनों में फोर है, फोर को कॉमन ले लिया हम तो फोर बाहर बात अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा, और चार का क्या होता है वर्ग जिसको बोलते हैं स्क्वायर, फोर का स्क्वायर फोर का क्या होता है टू होता है, पढ़े ना चार का दो होता है तो टू है, रूट के अंदर क्या बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कुछ ना क्या दे देना है यूनिट दे देना है, ये आपका आंसर हो गया। तो ये भी क्वेश्चन बन गया, इसको भी लिखिए आप लोग। चलिए देख लिए, जब हम वीडियो से हट जाते हैं कुछ सेकेंड के लिए तब आप वीडियो को पॉज करके तब लिखिए, तब उसका स्क्रीनशॉट लेके क्या कीजिए रख लीजिए तब उसको लिखिए, समझ में आ गया। इस तरह से क्या होगा आपको डिस्टर्ब नहीं होगा, जब समझाते तो ओनली फोकस कीजिए सर कैसे बता रहे हैं, और एक एक न्यूमेरिकल को देखिए हम कब माइनस माइनस प्लस करते हैं या कैसे हम कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन बहुत मायने रखता है, हम जब कटाते तो वो देखिए हम कैसे कटाते हैं, हम जितना जल्दी बन जाता है, ये सब चीज आप लोगों को क्या रखना होगा माइंड में रखना होगा तब जाकर समझ में आएगा। सबको समझ में आएगा, मैथ कुछ भारी नहीं है, मेरा क्लास करके देखिए सारा पॉइंट आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक ना, ये फिक्स है समझ में आएगा। अभी जितना चीज बता रहे न्यू चैप्टर है, सब सोचते हैं कैसे क्या होगा नया चीज, एक भी क्वेश्चन आपको भारी लग रहा है सब किस पे है थ्योरी पे बेस्ड है, और हम सबका कैलकुलेशन करके आपको समझा रहे हैं सब बनेगा। चलिए अब आगे देखिए, कोई पढ़ने में क्या होता है घुसखोर थोड़ी होता है जी, मैथ क्या है प्रैक्टिस का चीज है, कोई भी स्टूडेंट या कोई भी अच्छे टीचर अगर मैथ को क्या किया जाएगा अगर वो बताना छोड़ दिया जाएगा उससे भी नहीं बनेगा, वो कितना इंटेलिजेंट क्यों नहीं है, मैथ का मतलब है मैथ प्रैक्टिस है पेशेंस है, जब बनाते हैं तो ये सोचिए कि सही बन रहा है तो ही मैथ बनेगा, और अदरवाइज क्या होगा आपको क्या होगा हार्ट बीट बढ़ जाएगा बना रहे गलत। जब कभी कभी आपका अगर मतलब सोच जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन हम छोड़े हैं अभी आपको, एक में तीन टू है एक और तीन नंबर बताएं दो नंबर पहले आप मेरा फॉर्मूला बनाइए, एक बार गलती हुआ नेगलेक्ट कर दीजिए फिर से बनाइए फिर गलती फिर से बनाइए माइनस वन, उसके बाद आंसर मिलाइए, जब सही होगा तो अपने आपका पेशेंस आपका बढ़ेगा क्योंकि नहीं चलिए हम समझ रहे हैं, तो यही खासियत होता है अपना बनाने के लिए, ठीक। आप चलिए आगे देखिए इसका दो नंबर क्वेश्चन पर है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 00 एंड इतना, कैन यू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द टाउन, दो शहर है सपोज कीजिए एक आपको हो गया अररिया एक हो गया पूर्णिया, ठीक है दो शहर दिया हुआ है इस तरह से, एक तो अररिया को मान लिए पूर्णिया को भी मान लिए, समझ में आ गया, इसमें कोऑर्डिनेट है इसका क्या दिया अररिया का 00 दिया है और सपोज कीजिए पूर्णिया दे दिया 36 15, टाउन मतलब शहर का है, कह रहा है कि इन दोनों के बीच की दूरी क्या है ये निकालना है, तो क्वेश्चन क्या कर रहा था फाइंड द डिस्टेंस दो पॉइंट यहां दिया हुआ है 00 एंड 36 और क्या है 50 है। चलिए देख रहे हैं इसका डिस्टेंस निकालना है, अब देखिए ये तो लिख दिए हम एक्स वन क्या है जल्दी जल्दी बताइए, एक्स वन जीरो है वाई वन जीरो है, जीरो जीरो कब होता है समझ, एक थ्योरी और दे रहे हैं आपको, ठीक है ये एक्स है ये एक्स डैश है ये वाई है ये वाई डैश है, ठीक है जीरो जीरो होता है ओरिजिन पे, ये भी ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू, जीरो जीरो कहाँ होता है तो क्या लिखिएगा ओरिजिन पे, या हिंदी में मूल बिंदु बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी मूल बिंदु, समझ में आ रहा है सबको, सब डाउट क्लियर करते जा रहे हैं आप लोग को, बहुत से क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर में कभी भी मिस नहीं होगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा चैलेंज के साथ आप लोगों को समझा रहे हैं। चलिए एक्स टू क्या है 36 और वाई टू क्या है 50 है, देख लिए। अब चलिए ए बी का फॉर्मूला निकालिए, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, ए बी इक्वल एक्स टू क्या है
36 माइनस x1 जीरो है, y2 कितना है 15 माइनस जीरो का होल स्क्वायर, ये भी इक्वल टू 36 में जीरो गया 36 का स्क्वायर प्लस 15 में जीरो गया 15 का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए ये भी इक्वल टू 36 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब चीज को डबल हुआ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 36 का स्क्वायर था, इसका मतलब 36 गुना 36 कितना होगा, गुना कीजिए तो चार के 36 के 6 3 बचा 6 3 18 तो 18 3 21 फिर देखिए 18 3 9 10 6 8 9 2 1 तो कितना हो गया 1296 प्लस 15 का स्क्वायर। अभी तुरंत बताएं 15 गुना 15 करना, स्क्वायर का मतलब क्या होता है उसको डबल बार, तो 15 गुना 15 कीजिएगा 225 होगा, दोनों को जोड़िए 1296 और 225 6 5 11 9 2 11 12 1 2 1 5 2 2 4 1 5 1 कितना हो गया 1521 हो गया। आ गया समझ में, अब 1521 का क्या करना है हमको यहाँ पे,